जी हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले, क्योंकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस नहीं कर पाए। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद के लिए सामने आए अनुष्का और विराट, दिया 2 करोड़ रुपए का दान। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी लहर में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हजारों लोगों की रोजाना मौत हो रही है। ऐसे में कई दिग्गज खिलाड़ी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए सामने आए हैं और दान दिया है। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज पैट कमिंस, ब्रैडली हार्दिक और उनके भाई कृणाल पांडे के बाद अब भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में मदद के लिए 2 करोड़ रुपए का दान किया है। कोहली और अनुष्का की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि विराट कोहली और बॉलीवुड सुपरस्टार अनुष्का शर्मा का भारत में कोविड राहत कोष के लिए 7 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। इसमें कहा गया है कि वे लोगों से धन जुटाने वाले मंच केटो के जरिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं और उन्होंने अपनी तरफ से 2 करोड़ रुपए दान किए हैं। कोहली ने कहा, हमारा देश इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारे देश को अभी हम सभी के एकजुट होने और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने की जरूरत है। मैं और अनुष्का पिछले 1 साल से लोगों की पीड़ा देख रहा था। कोहली ने कहा कि उन्होंने और उनकी पत्नी ने वायरस के खिलाफ जंग में अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हम अधिक से अधिक लोगों की मदद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत को अभी हमारी सबसे अधिक सहायता की जरूरत है। हमने इस विश्वास के साथ धन जुटाने का बीड़ा उठाया है। हम जरूरतमंद लोगों के लिए पर्याप्त धन जुटा सके। हमें विश्वास है कि लोग अपने देशवासियों की मदद के लिए आगे आएंगे। हम एकजुट हैं और हम इसे पार पाने में सफल रहेंगे। दोस्तों, विराट कोहली का ये बयान आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप या विराट कोहली को अपना फेवरेट खिलाड़ी मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।